जय माँ कामाख्या, जय माता की। हम आज माँ कामाख्या माता के दर्शन के लिए माँ के दरबार जा रहे हैं और ये कामाख्या नगरी है और यहाँ से बहुत सारे भक्त श्रद्धालु दर्शन करके नीचे आ रहे हैं और बहुत सारे जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए माँ कामाख्या माता जी के दर्शन के लिए और इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। यहाँ से लेकर माँ कामाख्या दरबार तक आपको पूर्ण रूप से दर्शन कराएंगे और चलिए आप हमारे साथ माँ कामाख्या दर्शन के लिए। जय कामाख्या, जय कामाख्या। यहाँ से माँ कामाख्या दरबार पहुँचने की सीढ़ी आरंभ हो जाती है जो लगभग 150 से 200 है। यहाँ से आप माँ कामाख्या की पूजा आराधना करने के लिए पुष्पमाला, श्रीफल, पूजा प्रसादी, चुनरी और भी पूजा सामग्री आदि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही सुंदर दुकानें सजी हुई है और भक्त श्रद्धालु माँ कामाख्या माता का चिंतन मनन करते हुए माँ के दरबार की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं कि जिन लोगों की माँ कामाख्या माता कुलदेवी हैं वे यहाँ आकर ही माता के समक्ष एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकारते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए उस अटूट रिश्ते में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों को माँ कामाख्या माता की मूर्ति लेना है वह मूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और हम भी इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। माँ कामाख्या माता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है यही मेन गेट है और हम मेन गेट के पास पहुँचने वाले हैं। भगवान शिव की प्रधान शक्ति माँ कामाख्या भवानी की पूजा आराधना करने के लिए हमने भी इस दुकान से पुष्पमाला, प्रसादी और कुछ धागे खरीदे जो माँ कामाख्या माता के दरबार में जो जल होता है उससे गीले करके हम उस धागे को हमारे साथ लेके जाएंगे ताकि हमारे जो भक्त लोग हैं उनको वह धागा दे सके। और यहाँ हमें बहुत ही अच्छे रेट में पुष्पमाला भी मिल गई, प्रसादी भी मिल गई और हम यहाँ से धूप बत्ती कपूर लेकर हम माँ के दरबार के लिए आगे बढ़ने वाले थे। माँ कामाख्या दर्शन जाने के लिए आपको एक यहाँ पे पर्ची कटवाना होगा, उस पर्ची में आपकी सारी जानकारी लिखी हुई होगी। उसके बाद ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बैठना होगा और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आप भक्तों के जत्थे के साथ आगे दर्शन के लिए बढ़ेंगे और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जो आप सभी को हम बताने वाले। आइए हमारे साथ माँ कामाख्या माता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। हमारे साथ राकेश। कामाख्या मैया की जय। बोल कामाख्या मैया की जय। सारे भक्त लोग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन से ही जा रहे हैं और यह बड़ी लंबी लाइन है, इसमें लगभग 200-300 भक्त लोग लाइन में लगे हुए हैं और जैसे जैसे भक्त लोग दर्शन कर लेते हैं वैसे वैसे भक्त आगे बढ़ते जाते हैं दर्शन के लिए। और माता रानी के दरबार में जैसे सब भक्त लाइन में लगे वैसे हम भी लगे हैं और वहाँ तक पहुँचने में समय बड़ा लंबा लग रहा, लेकिन आत्मचिंतन करते हुए सभी भक्त लोग तो करीब आ गए और बहुत जल्दी माँ भगवती के दर्शन भी होने वाले हैं। मंदिर समिति की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि भक्त सुचारू रूप से माँ भगवती के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए हमें 4 घंटे इस स्थान पर रुकना पड़ा जिसके बाद हमारा नंबर आया और माँ भगवती के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की महाआरती भी हमें प्राप्त हुई। जब माँ भगवती की आरती हुई तो कपूर की आरती भगत महाराज जी बाहर लेकर आए सभी भक्त लोग। यहाँ पर एक महाराज तंत्रोक्त पद्धति से माँ कामाख्या देवी का हवन कर रहे थे तो हमने सोचा कि आप सभी के लिए भी तांत्रिक हवन की कुछ झलकी लेकर आएँ। और आप सभी देख रहे हैं यह तंत्रोक्त हवन इस प्रकार से किया जा रहा था माँ कामाख्या मंदिर। कामाख्या माता जी के दरबार में हम पहुँच चुके हैं और यह माँ कामाख्या का पावन शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ भगवती का योनि गर्भ भाग गिरा था और तभी से यहाँ माँ कामाख्या माता की दिव्य ज्योति जल रही है। यह बहुत ही प्यारा और पावन
शक्तिपीठ है, जहाँ के कण कण में माँ भगवती माँ सती की भक्ति और शक्ति यहाँ नज़र आती है भक्तों को, और भक्त श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं, धन्य समझते हैं। ऐसी भगवान शिव की प्रधान शक्ति माँ काम बीज रूपनी कामाख्या माता का दर्शन का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और हमारे साथ ही आप सभी को माँ कामाख्या भवानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह नीलांचल पर्वत है और यहीं पर भगवान कामदेव को रूप प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे कामरूप भी कहते हैं। जैसे ही भक्त गर्भगृह से बाहर निकलते हैं माता का आशीर्वाद लेकर, यह आकर माँ भगवती से मनोकामना मांगते हैं, और इस मनोकामना के लिए भक्त श्रद्धालु अगरबत्ती यहाँ जलाते हैं और दिया जलाते हैं, और मन ही मन माँ पार्वती जी से माँ सती माता जी से प्रार्थना करते कि हे भगवती माता, हमारी यह मनवांछित इच्छा पूर्ण करना, हे भगवती हमारा यह कार्य सिद्ध करना, हे माँ भगवती माता रानी आप हम पर कृपा बनाए रखना, और हाथ जोड़ कर माँ को यही से नमन करते हैं। इस स्थान के जस्ट सामने ही माता रानी के दरबार का गर्भगृह है और बाहर वाला रास्ता है, तो यही से माता रानी को भक्त श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। ऐसी जगत धन्नी परमेश्वरी माँ काम बीज रूपनी कामाख्या माता के दर्शन का सौभाग्य ही मानो आपके जीवन को धन्य बना देता है। और यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग आकर विवाह भी करते हैं। आज दिन भरे में लगभग 10 जोड़े यहाँ से विवाहित होके गए। तो आइए आगे हम देखते हैं माता के दरबार का गुप्त रहस्य। तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर नारियल फोड़ने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। देखिए माता जी के भक्त यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं। प्रसादी जय हो माँ कामाख्या, जय माँ काम बीज रूपनी। माँ की नगरी में महाराज श्री से भी मुलाकात हुई, और महाराज जी हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं? शिमला डिस्ट्रिक्ट सोलेश्वर माँ जी जी भीमा काली मंदिर से आई हैं, और माँ कामाख्या आशीर्वाद लेने के लिए। संतों के हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए संतों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए हम सबको, और हमारा उद्धार हो सके इसलिए संतों की कृपा बहुत जरूरी है। जय संत महाराज। माँ कामाख्या दरबार के सामने यह जो स्थान है, यहाँ पर बलि दी जाती है। यहाँ पर पहले से ही बलि के लिए बकरे और आदि जीव जंतु यहाँ पर लाए जाते हैं, और इस स्थान पर कुछ भक्त यहाँ पर तप करते हैं, साधना करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर साधना करने से जल्दी सिद्धि मिलती है, जल्दी मंत्र सिद्ध होता है, इसीलिए भक्त श्रद्धालु यहाँ साधना करते हैं। तंत्र साधना का महापीठ, शक्तिशाली पीठ, यहाँ पर प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है, और ये जो आप सभी देख रहे हो यहाँ पे बकरी के बच्चे, इनकी भी बलि दी जाने वाली है। इनकी पूजा अर्चना कर कर इन्हें यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, और प्रतिदिन बलि के समय पर माँ भगवती को इसकी बलि दी जाती है। माँ कामाख्या माता की शक्तिपीठ से जुड़ी ऐसी तो कई दिव्य कथाएँ हैं, लेकिन मैं आज आपको वह कथा बताने वाला हूँ कि इसी स्थान पर नरकासुर नामक राक्षस ने कठोर साधना की थी माँ भगवती की, और माँ भगवती की विवाह करने की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन माता रानी ने एक शर्त रखी कि नरकासुर तू अगर मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बनाने में सफल हो जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूँगी। नरकासुर सीढ़ियाँ बनाने में आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन माँ ने एक मुर्गा प्रकट करके नरकासुर का ध्यान भंग कर दिया, और नरकासुर उस मुर्गे को मारने के लिए चला गया, और सीढ़ी बनाने का काम रह गया, दिन निकल गया। तब माता कामाख्या देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया, और इस संसार को नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस कारण इस स्थान की और भी महिमा बढ़ गई। कहते हैं कि भगवान शिव के ही नाभि से माता कामाख्या देवी ने अवतार लिया था, और इसके बाद ही नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी सारे जगत की माता माँ कामाख्या देवी की महिमा अद्भुत है, निराली है,
माता रानी का आप सभी को आशीर्वाद मिलते रहे और आप सभी की भी मनोकामना पूर्ण करें। माँ भगवती कामाख्या माता के दर्शन का यह वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए। आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करिए, ज़रूर बताइएगा। जय माँ कामाख्या, जय माता की।